चलो मैं कोशिश करूंगा भाई ज्यादा जोर से बोलने की, अभी और क्या कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। चलो तो बेसिकली गाइस, अर्थक्वेक है क्या? तो इसको हम लोग को ऐसे समझना है कि अर्थक्वेक बेसिकली एक एनर्जी रिलीज है। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है गाइस, तो आप सभी को याद रखना है, अर्थक्वेक बेसिकली एक एनर्जी रिलीज है, यानी कि आप बोल सकते हो जो ऊर्जा है उसका उत्सर्जन है। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है दोस्तों, ऊर्जा का उत्सर्जन है। अब ये ऊर्जा कैसी बनी, क्या हुई, इसको अपन लोग अभी देखेंगे। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है गाइस, एनर्जी रिलीज है, ऊर्जा का उत्सर्जन है। इतनी बात आई होप आप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, एनर्जी रिलीज है यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन है अर्थक्वेक। ठीक, हम मेन पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ। अभी बेटर है क्या आवाज थोड़ी सी, अभी बेटर है क्या यार, अभी आवाज थोड़ी सी बेटर है क्या, चलें आगे। हाँ तो अर्थक्वेक बेसिकली क्या है गाइस, एनर्जी रिलीज है। अब बात करते हैं कि होता क्या है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, अर्थक्वेक बेसिकली है क्या, आप ऐसा बोल सकते हो डिस्टरबेंस होता है, ये एक प्रकार का फ्रेंड्स डिस्टरबेंस है, ये एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। और ये डिस्टरबेंस जो है, ये जो डिस्टरबेंस है ये कहां पर मिलता है, ये मिलता है गाइस अंडरलाइंग, अंडरलाइंग आप बोल सकते हो रॉक्स में, यानी कि चट्टानों में। आसान भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो गाइस जो प्लेट्स होते हैं ना, जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह होते हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह होते हैं दोस्तों, है ना, उन प्लेट्स में अगर क्या हो जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, किस चीज में डिस्टरबेंस हो जाए, उनके इक्विलिब्रियम में, उनकी साम्यावस्था में डिस्टरबेंस आ जाए, इसी कारण से हमको देखने को मिलते हैं अर्थक्वेक। और एनर्जी कैसे निकलती है मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लेना। अगर हम लोग बात करें तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे मैं साम्यावस्था की बात कर रहा हूँ। सुनो आप खुद सोचो गाइस, सारे के सारे जो चट्टाने वो एक साथ है, मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से समझना। भाई ड्यू टू पावर कट लेक्चर मैंने लेट स्टार्ट किया, सो सॉरी, मैंने बोला है आप लोग को गाइस, है ना, समझो यार, नहीं तो क्लास में कैंसिल करने वाला था, बट हमने वेट किया कि मैंने पावर हाउस कॉल किया तो उन्होंने बोला कि सर आ जाएगा 5:15 तक, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा वेट कर लिया। ठीक है, तो अर्थक्वेक बेसिकली है क्या, एनर्जी रिलीज है। दूसरी बात मैंने क्या बोला, अर्थ ये एनर्जी क्यों रिलीज होती है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन अंडरलाइंग रॉक्स। मतलब क्या होगा दोस्तों, जो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी जो प्लेट्स है ना, तो जमीन में जो नीचे प्लेट्स है, आप खुद सोचो अगर दो चट्टाने एक जगह पे रखी हुई है, अगर वो थोड़ी सी हिलने लगे तो एनर्जी रिलीज होगी नहीं होगी, यस और नो? तभी तो जो चट्टाने टकरा करके टूट भी जाती हैं, आपने देखा होगा, है ना, अगर कोई चट्टाने हिल रही है दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो एनर्जी रिलीज होगी ही ना। तो ये क्यों होता है गाइस, तो आपको इतना समझना है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो अंडरलाइंग रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, उनमें क्या हो रहा है गाइस, उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, और डिस्टरबेंस होएगा तो एनर्जी रिलीज होगा, या फिर आप बोल सकते हो इस डिस्टरबेंस के कारण ही गाइस एक वेव्स निकलने लगती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव्स। सारे बच्चे ध्यान देना, इस डिस्टरबेंस के कारण ही एक वेव्स निकलने लगती है जिसको अपन लोग बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। इसको मैं एकदम अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, हिंदी में बोलते हैं सिस्मिक वेव्स को भूकंपी तरंगे। आपके घर में एक यूटेंसिल होगा, एक बर्तन होगा, अगर आप उस यूटेंसिल को जोर से गिरा दो तो क्या होगा गाइस, बहुत जोर की आवाज आएगी। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि गाइस एनर्जी रिलीज हुई है। प्लेट आप देखो, आपका जो यूटेंसिल था, सपोज करो ये आपका यूटेंसिल है, बर्तन है, और ये सपोज करो दूसरा यूटेंसिल है, जब दोनों आपस में टकराए या फिर दोनों अपनी जगह से हिले भी, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और अगर ये एनर्जी रिलीज होता है तो क्या होगा, सिस्मिक वेव्स बनेगा, ये सिस्मिक वेव्स बनेगा। टेक्टोनिक प्लेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, जब मैंने आपको हिमालय का पढ़ाया था फॉर्मेशन, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं गाइस बात करूं यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं अब बात करूं ध्यान से, ये डिस्टरबेंस होता कैसे, ये डिस्टरबेंस का कारण क्या है। अभी मैंने आपको ये बताया गाइस कि जो डिस्टरबेंस होता है उसके कारण सिस्मिक वेव्स बनती हैं, यस और नो? और एग्जांपल मैंने क्या दिया, दो बर्तनों को आप टकरा दो तो क्या होगा दोस्तों, बहुत जोर से आवाज निकलेगी। उसका वो रीजन क्या है, वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हुई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या हुआ कि जो अंडरलाइंग रॉक्स है उसमें डिस्टरबेंस आ रहा है, अंडरलाइंग रॉक्स में डिस्टरबेंस आ रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं गाइस, इसके कई कारण हो सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना गाइस, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो जाए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो जाए, समझ पा रहे, जब वॉल्केनो आएंगे तो क्या होगा गाइस, जो अंदर जो पूरे के पूरे जो रॉक्स है, आप सोचो जब वॉल्केनो बाहर आएगा, बेसिकली जो मैग्मा होता है ऊपर आएगा, तो क्या होगा, जो आसपास की जो चट्टाने वो डिस्टर्ब होंगी, और डिस्टर्ब होंगी भाई सिस्मिक वेव्स पढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ा, साथ साथ में चलो। अभी मैंने आपको बताया बस इतना है, सिस्मिक वेव्स के बारे में बताऊंगा आपको, अभी बस ये समझो, जब डिस्टरबेंस होता है रॉक्स में,
उसके कारण से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी क्या है, सिस्मिक वेव्स है। समझ पा रहे हो क्या? जब इन रॉक्स में डिस्टर्बेंस होता है, जब इन रॉक्स में डिस्टर्बेंस होता है, उसके बाद जो एनर्जी निकलती है वही एनर्जी सिस्मिक वेव्स है। और इसका एग्जाम्पल मैं सिंपल बताया, दो बर्तनों को टकरा करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, दिख नहीं रहा है वहां पे ना, दो बर्तनों को टकरा करके देखो तो जो एनर्जी निकलती है, यस और नो, कुछ ऐसा ही होगा जब दो रॉक्स जो होंगे, जब 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 कभी भी रॉक्स के इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम होगी, हाँ या ना। अभी ये जो अगर बात करूं कि डिस्टर्ब कैसे हुआ, तो मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा था कि आप सोचो जब वॉल्केनो आएगा, जब वॉल्केनो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, आसपास में जो भी रॉक्स हैं उनको भी क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को, है ना। तो एक रीजन तो ये हो गया कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज है उसके कारण भी होता है। भाई समझ में ना आए तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, मैं एक बार आपसे पूछूंगा जब ये इशू पूरा रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं आपसे पूछूंगा। ये पॉइंट नंबर वन हुआ, ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बस हाँ थोड़ा सा आपको बेसिक कराने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको इशू लगे, बट थोड़ा सा यार बने रहो, आपको चीजें समझ में आएंगी। जब ज्वालामुखी आते हैं तो आसपास की प्लेट्स को डिस्टर्ब करेंगे, और डिस्टर्ब करेंगे गाइस तो क्या होगा बताओ, उनमें एनर्जी आएगी, ये सब एनर्जी रिलीज हो रही ना। तो देखो कोई पत्थर अपने आप आगे नहीं जाता, किसी पत्थर को आगे जाना है तो क्यों गया, क्योंकि आपने उसमें धक्का मारा, उसमें कुछ एनर्जी आई। तो जब वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई तो क्या हुआ दोस्तों, तो वहां पर आप समझ सकते हो यार एनर्जी रिलीज हुई है, और उसी एनर्जी से जो आपके जो रॉक्स हैं, अंडरलाइन जो रॉक्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, नॉर्मली जो हमारी प्लेट मूवमेंट जब करती है, मैंने आपको बताया था गाइस, याद करो, जब प्लेट मूवमेंट करती है ना, और जब प्लेट मूवमेंट करती है, टेक्टोनिक प्लेट, जब अपन हिमालय पढ़ रहे थे तो भी क्या होगा, तभी भी जो अंदर जो आपके रॉक्स होंगे उसमें डिस्टर्बेंस आएगा। या फिर गाइस अगर आप बोलो कि प्लेट्स की फोल्डिंग हो, यानी कि जब वो वलित पर्वत बनने लगे, जब प्लेट की फोल्डिंग हो, जब वो वलित पर्वत बनने लगे, अभी लावा तक अपन नहीं है, वहां तक भी आएंगे, यस और नो, तो भी होता है। और गाइस इसी से मैं और अच्छा आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे समझ जाओगे। ये जो मेन रीजन है, तो प्लेट टेक्टोनिक तो एक रीजन है ही गाइस, प्लेट टेक्टोनिक तो एक रीजन है ही, बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इंसान भी एक रीजन है, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंसान भी एक रीजन है। और इंसान कैसे एक रीजन है इसको समझते हैं, इंसान कैसे एक रीजन है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। गाइस जहां पे समझ में ना आए मुझे बता देना, ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप नहीं पूछोगे तो। अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ह्यूमन इंटरफेरेंस में क्या समझते हो गाइस, तो देखो जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया एक डैम, ध्यान से सुनना, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया एक डैम, और यहाँ पर मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कोयना डैम का, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, सपोज करो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, यस और नो, और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो नीचे की जो रॉक्स हैं, जो जमीन के नीचे की जो रॉक्स हैं, वो उनमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर उनमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप समझ पा रहे हो एनर्जी रिलीज होगी, हाँ, अगर उनमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कोई भी दो चीजें जब टकराएंगी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब आप खुद सोचो, हमारी अर्थ जो है, सपोज करो हमारी जो अर्थ है, इस रॉक्स पे टिकी हुई है, इन रॉक्स पे टिकी हुई है। अब अगर ये हमारी अर्थ ऊपर है, समझ लो ऐसे एग्जाम्पल ले लो, अगर इन रॉक्स के मूवमेंट होता है, इसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो क्या होगा बताओ, एनर्जी रिलीज होगी और पूरा का पूरा हमारा जो पोर्शन है वो हिलने लगेगा। आई होप बात समझ पा रहे होंगे गाइस, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो जब कोयना डैम का वजन इतना ज्यादा हो गया कि कोयना डैम जो है महाराष्ट्र में, वहां पर दो बार भूकंप आ चुके, आपको बता दूं 1967 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 1993 में, ये दो ईयर मैंने पढ़े थे कि कोयना डैम वाले एरिया में भी गाइस भूकंप आ चुका है। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर दिया गया था। आई होप बात समझ पा रहे हो, है ना। तो डैम के कारण भी हो सकता है, या फिर हम लोग क्या बना दे गाइस, अगर हम लोग रिजर्वायर बना दें, और ये वही रीजन है गाइस कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा पानी भर करके रख दें, तो आप इसको तो सिंपल एक ही समझ सकते हो, आसान भाषा में आप रिजर्वायर बना दो, आप डैम बना दो, इस तरीके से भी एक आप बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हो, यस और नो, और इसके चक्कर में भी आपका अर्थक्वेक आ सकता है। अब मेरी बात एक बार सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अब मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से, अब सारे बच्चे एक बार सुनेंगे और कहीं पर भी डाउट हो तो एकदम बिंदास पूछ लेना। सुनो मेरी बात को, अर्थक्वेक आने का कारण क्या है, एनर्जी रिलीज।
अर्थक्वेक आने का कारण क्या है, एनर्जी रिलीज। दूसरा कारण, अभी जो एनर्जी रिलीज होती है हुई कैसे, ये इसलिए हुई क्योंकि डिस्टर्बेंस आता है किसमें, अंडरलाइंग रॉक्स में। किसमें डिस्टर्बेंस आता है, अंडरलाइंग रॉक्स में। अभी जो अंडरलाइंग रॉक्स में डिस्टर्बेंस क्यों आता है, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाया है, बट तब तक मैं आपको क्यों बता रहा हूँ डिस्टर्बेंस क्यों आया, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है, साम्यावस्था डिस्टर्ब हुई है किसकी, रॉक्स की। और गाइस आप लोग में से जो बच्चे इलेक्ट्रिकल वाले हैं या फिर जो नहीं भी है, एक वर्ड होता है ट्रांजिएंट, आप सभी लोगों ने सुना होगा एक वर्ड जिसका नाम क्या है, ट्रांजिएंट। आप सभी ने सुना होगा ना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, तो एक वर्ड होता है गाइस ट्रांजिएंट। तो ट्रांजिएंट मतलब क्या, क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ये डिस्टर्ब होता है, और ये कुछ समय का जो डिस्टर्ब होता है गाइस, ये बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज करता है, और इस एनर्जी रिलीज के चक्कर में ही गाइस फॉर्मेशन होता है सिस्मिक वेव्स का। इसी को अपन भूकंपी तरंगे कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपने दो बर्तन टकराए तो बहुत जोर से आवाज हुई, क्यों, क्योंकि वेव्स निकली, यस और नो। उसी तरीके से जब अंदर रॉक्स का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो जिन वेव्स का जनरेशन होता है उनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, भूकंपी तरंगे कहते हैं। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा, ना आए तो फिर भी बताना यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आए। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इक्विलिब्रियम क्यों खराब हुआ था, या तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट का कोई मूवमेंट हो जाए, रॉक्स की फोल्डिंग हो जाए, फोल्डिंग ऑफ माउंटेन हो जाए, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाए, इनमें से कुछ भी होता है तो आपको देखने को मिल सकते हैं गाइस वॉल्केनो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं अब एक सेकेंड के लिए आपके कमेंट ही देख रहा हूँ। हाँ जी क्विकली, बिल्कुल बिल्कुल रिया एकदम सही कहा, क्विकली होता है, एकदम कम समय के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट टाइम पीरियड ही होता है। मैं अपने आप को हाइड करता हूँ ताकि आप लोग ये सेंटेंस पूरा देख सको। गाइस समझ में नहीं आया हो तो एक बार बता दो यार, ये मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सिंपल आसान चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, मुझे पता है आपके एग्जाम में सीधे पूछेगा इपी सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, हाइपो सेंटर क्या होता है, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आप लोगों के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक समझा पाऊँ, ठीक है ना। राकेश जी, कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियनिक प्लेट दोनों अलग अलग होती हैं, है ना, और ये दोनों अपन लोगों ने पढ़ा था जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पढ़ाया था। अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखी है, एक बार आप उस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्लीज भाई उस लेक्चर को एक बार देखना। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दो बातें होती हैं, सिस्मिक वेव्स अगर आई हैं तो उनके चक्कर में ही अर्थक्वेक आएगा, ये बात तो सबको क्लियर है, ये बात तो सबको क्लियर हो गई है, है ना, सिस्मिक वेव्स ही आएगा। बट गाइस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अभी सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं ये पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आगे की बात पढ़ें ज्यादा बेटर हो जाएगा। चलो देखते हैं, तो गाइस सिस्मिक वेव्स पढ़ लेते हैं, सिस्मिक वेव्स पढ़ लेते हैं। मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या, अभी भी दिख रहा हूँ, चलो सिस्मिक वेव्स पढ़ लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिस्मिक वेव्स, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं भूकंपीय तरंगे। आप ऐसा समझ लेना, जो रॉक्स होते हैं जो चट्टाने होते हैं उनके उनके इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंस आता है उसके कारण ही जो वेव्स का उत्पन्न होती है, जो वेव्स जनरेट होती है, है ना, जो रॉक्स के इक्विलिब्रियम में जो डिस्टर्बेंस आता है उसके चक्कर में जो वेव्स का जनरेशन होता है गाइस, उन्हीं को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल रिया कुमारी जी, एकदम करेक्ट एग्जांपल दिया, लगता है आप इलेक्ट्रिकल वाली हैं। अगर हम लोग बात करें कोई भी चीज, जब ये ट्रांजिएंट मूवमेंट हुआ तो जैसी एनर्जी रिलीज हुआ तो बार बार चट्टान कोशिश करेगी कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, है ना, तो बहुत समय के लिए नहीं होता। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा रिलेट किया, वेरी गुड, चलो बहुत सही। हाँ जी सौरभ, हाँ सौरभ कुमार आप डेंसिटी बता रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, चलो याद हो गई आप लोग को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्यों हुआ ये आप सब बच्चे समझ चुके हैं, है ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सिस्मिक वेव्स जिसको अपन भूकंपी तरंगे कहते हैं कितने प्रकार की होती है। गाइस मेरे साथ बने रहना, टॉपिक थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो सिंपल ही है, बस मैंने कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं आपको सिंपल वे में ही एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। पर फिर भी यार कहीं पे कोई चीज रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो देखना, सिस्मिक वेव्स भूकंपी तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है गाइस बॉडी वेव्स जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में चलती हैं। और अच्छा एक बात और बताता हूँ, सिस्मिक वेव्स को ही जिस इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं सिस्मोग्राफ। ये आपके एग्जाम में आने वाला पहला क्वेश्चन है आज की क्लास से,
सिज्मिक वेव्स को जिस इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सिज्मोग्राफ, और यहीं से बताया जाता है दोस्तों कि अच्छा अर्थक्वेक आ रहा है। पर मेजर करना अर्थक्वेक को अलग चीज है, बट अर्थक्वेक को रिकॉर्ड जहां से किया जाता है उसको अपन लोग बोलते हैं सिज्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिज्मोग्राफ। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सिज्मिक वेव्स ही जो है यही लाती है, क्या यही लाती है गाइस? अर्थक्वेक, है ना। अर्थक्वेक के बारे में पता कहाँ से चलता है? तो आप बोल सकते हो कि अर्थक्वेक के बारे में जहां से पता चलता है वो क्या है? सिज्मोग्राफ है, वो है सिज्मोग्राफ। बहुत सारे बच्चों ने गिव अप कर रहे हो क्या बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार, मुझे बता देना, मैं और दोबारा से रिपीट कर दूंगा, या फिर आप अगर चाहते हो एकदम सिंपल लैंग्वेज तो बताओ, देशी भाषा में समझाने का भी मैंने प्रयास किया, बर्तन वाला एग्जाम्पल भी दिया। भाई सुनो शुभम, अभी इंटेंसिटी तक मत पहुंचो, वहां तक अपन लोग जाएंगे धीरे धीरे। अभी बस आप ये समझो कि जैसे अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक क्यों आता है? अर्थक्वेक आने का जो रीजन है वो है सिज्मिक वेव्स, ठीक है। और जो सिज्मिक वेव्स है उसको रिकॉर्ड करता है सिज्मोग्राफ, है ना। जो आप बता रहे हो भाई इंटेंसिटी वगैरह, वहां तक अपन लोग अभी चलेंगे, थोड़ा सा बस मेरे को समय दो, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा समय दो। ओके गाइस, बिल्कुल सिज्मोग्राफ वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब सारे बच्चे ध्यान देना प्लीज, सारे बच्चे ध्यान देना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान देना है सब बच्चों, क्योंकि यार एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको। दूसरी होती है सरफेस वेव्स, सतही तरंगे। एक क्या होती है? बॉडी वेव्स, और दूसरी होती है गाइस सरफेस वेव्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉडी वेव्स के बारे में, तो ये अर्थ के इंटरनल पार्ट में चलती हैं, यस और नो? और जो अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर चलती है गाइस सरफेस वेव्स, वहां पे चलती है सरफेस वेव्स। अब मैं इनके टाइप आपको बताऊंगा गाइस, ध्यान से सुनना। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी वेव्स, इनके बारे में आपको मुझे बताना पड़ेगा, अभी बताऊंगा। प्राइमरी वेव्स हिंदी में इनको बोलते हैं गाइस प्राथमिक तरंगे, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्राथमिक तरंगे, और इन्हीं को शॉर्ट में आप पी वेव्स कहते हो, इन्हीं को शॉर्ट में आप पी वेव्स कहते हो। तो कभी भी अगर एनर्जी रिलीज होगी तो सबसे पहले यही वेव जनरेट होती है जिसका नाम है प्राइमरी वेव, ठीक है। दूसरी वेव्स होती है गाइस जिसको अपन लोग कहते हैं एस वेव, और इसी को हिंदी में कहा जाता है द्वितीयक तरंगे, और इसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी वेव्स, है ना, सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स। और गाइस आप सभी बच्चे याद रखना कि सेकेंडरी वेव्स को ही हिंदी में द्वितीयक तरंगे कहते हैं, हालांकि ये तरंगे आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, पहले बता दे रहा हूं। हाँ जी, ये तरंगे आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना बेटा। अगर अगर अपन लोग बात करें सिज्मोग्राफ में हमको हलचल दिखाई देती है तो हम समझ जाते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, याद रखना है सारे बच्चे। हाँ इंटेंसिटी अलग चीज है, वो सब चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, और प्रिडक्शन तो होता है गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात करें सेकेंड जो सरफेस पे चलती है, जो अर्थ के सरफेस पे चलती है, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जो सरफेस पे चलती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है लव वेव, एक होती है लव वेव, क्योंकि उसको लव नाम के साइंटिस्ट ने ही बनाया था, बट उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एल वेव्स, एल वेव्स। और एक होती है गाइस आर वेव्स, क्या होती है? आर वेव्स, ठीक है ना। इसको बनाया था किसने? ओ ई एच लव नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसको बनाया था लव नाम के साइंटिस्ट ने, इसके बारे में बताया था। आई होप यार इसकी तो जरूरत नहीं है मैं क्यों लिख रहा हूं, बट आर वेव का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। इसको जिस बंदे ने बताया था उसका नाम था राले, उस बंदे का क्या नाम था? राले। दैट्स व्हाई दोस्तों इस वेव को आर वेव्स कहते हैं, क्या कहते हैं? आर वेव्स कहते हैं। मैं एक एक चीज समझाऊंगा, बस आप लोग सुनते जाना, ठीक है। तो सरफेस में जो तरंगे चलती है, एक तो एल वेव्स चलती है, ठीक है ना, और बॉडी के अंदर में चलती है अर्थ के, वो कौन सी होती है? प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अब मैं इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। अब देखो गाइस आगे चलें, आगे चलें, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम लोग, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रकट हो जाता हूँ। अब ध्यान देना सारे बच्चे, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आए तो बता देना। ठीक है, ठीक है, हाँ जी चलें आगे। ये आप लोग को क्लियरली विजिबल है या नहीं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ये आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं एक बार मुझे कमेंट करके बता दो सारे बच्चे, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ ये विजिबल है, चलो चलो विजिबल है। अब गाइस
सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कौन सी वेव्स के बारे में, पी वेव्स के बारे में। पी वेव्स जिनको अपन लोग हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। तो सारे बच्चे ध्यान देना पी वेव्स की तरफ। अब ये जो पी वेव्स होती है, अगर आप लोग ध्यान से देखो, पी वेव्स कैसी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। पी वेव्स कैसी वेव्स है गाइस, आप देख सकते हो, पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कैसा, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ऐसा, ये देखो, ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मूव कर रही है, बिल्कुल एक लाइन से मूव करते जाती है, बिल्कुल एक लाइन से मूव करती जाती है, इसे लॉन्गिट्यूड है। ये कैसे करती है देखो, जैसे स्प्रिंग चलता है, स्प्रिंग कैसे चलता है, कंप्रेशन हुआ, यस और नो, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से पी वेव चलती है लॉन्गिट्यूडनल। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिख भी दिया है कि जो पी वेव्स है वो कैसे चलती है, एक्सपांशन और फिर कंप्रेशन। तो आप जिस भी जमीन के एरिया से गुजरेंगी, जहां से भी गुजरेंगी, पहले ये क्या करेंगी, एक्सपांड कंप्रेस, एक्सपांड कंप्रेस, जैसे स्प्रिंग चलता है वैसी चलती है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और अगर मैं गाइस इसके बारे में बात करूं तो याद रखना, ये फास्टेस्ट वेव्स है, ये फास्टेस्ट सरफेस, फास्टेस्ट बॉडी वेव है ये। अगर गाइस मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये फास्टेस्ट बॉडी वेव्स है, ठीक है ना। फास्टेस्ट बॉडी वेव है कौन सी, पी वेव, मैं यहां पे लिख देता हूं। वैसे ओवरऑल भी फास्टेस्ट यही है। अच्छा, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझने के लिए करा रहा हूँ। अभी जो एग्जाम में आएगा आगे चलेंगे। सेकेंडरी वेव्स के बारे में बात करें, ये थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे कि अगर मैं एक अंदाजन बताऊं गाइस, तो ये वाली जो वेव्स है लगभग चलती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये एस वेव चलती है लगभग 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। अगर आप इसके बारे में देख सको, इसके बारे में देख सको, तो ये कैसी है गाइस, ये ट्रांसवर्स मूवमेंट कर रही है। ये कैसी मूवमेंट कर रही है, ट्रांसवर्स। आप ध्यान से देखो, ये कैसी मूवमेंट कर रही है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब समझ पा रहे हो, सपोज करो ये कोई चीज ऐसे रखी हुई है, कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, तो ये वेव्स आएगी और इसको ऐसे ऊपर उठाने का प्रयास करेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठाने का प्रयास करेगी। जैसे कि साइनोसाइडल वेव चलती है लगभग उस तरीके का जो वेव बिहेव करती है, वो वेव कौन सी है, आप देख सकते हो एस वेव। तो जो पी वेव है वो कैसे चलती है, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन में चलेगी, जबकि एस वेव है वो कैसे चलती है, ट्रांसवर्स चलेगी, ट्रांसवर्स चलेगी। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनो, पी वेव जो है वो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में चलती है। पर इसके बारे में गाइस अगर बात करूं, एस वेव के बारे में बात करूं, तो याद रखना ये कभी भी लिक्विड मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती, ये कभी भी लिक्विड मीडियम को क्रॉस नहीं कर पाती। और इसके बारे में तो आपको एक बात और बता देता हूं कि इसकी जो स्पीड होती है सॉलिड मीडियम में इंक्रीज होती है। बेटा थोड़ा सा बस ध्यान दो, अभी अच्छी चीजें आ जाएंगी जो आपके काम की है, मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सॉलिड मीडियम में स्पीड गाइस इंक्रीज होती है किसकी, प्राइमरी वेव्स की। प्राइमरी वेव्स से ही आगे जाकर के धीरे धीरे सारी वेव्स आएंगी, ये याद रखना सारे बच्चे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, यार ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप बच्चों को, जो मैं अभी तक आप लोग को करा रहा हूं, ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार यार पहले कमेंट करके बताओ यार, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा यार, क्योंकि मुझे डर लग रहा है आप लोग को देख करके कि आप लोग को कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। पहले आप लोग मुझे बताओ कि ये सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, प्लीज सारे बच्चे। बिल्कुल रिया जी, अभी मैं वो डायग्राम भी आपको बना करके दिखा दूंगा, वो वाला डायग्राम भी आपको ही बना के दिखाता हूँ, बट पहले ये वाला आप बताओ यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। कोर मेंटल दोनों में आ जाएंगी, कौन सी, पी वेव, समझ आ रहा है, आ रहा है, इतना सबको समझ में आया ना, ठीक। अभी मैं आपको एक और डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, कतई टेंशन मत लो बेटा, मैं आप लोग को अगर मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, कतई ना लो। ये है रेले वेव, ये एक बॉडी वेव नहीं है, ये एक सरफेस वेव, ये एक सरफेस वेव। हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, बट गाइस याद रखना कि ये एग्जाम में भी नहीं आता, बट मैं आपको थोड़ा सा बताते जा रहा हूँ जानबूझ के। रेले वेव, रेले वेव के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो इसके बारे में अगर आप लोग देखो तो ये जो वेव है ये रोल करते हुए चलती है, ये पूरा रोल करते हुए चलती है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो,
ये पता है ये साइड बाय साइड भी चलती है और ऐसे भी जा रही है। इसको मैं आपको दूसरे डायग्राम से और अच्छे से बताऊं, ये देखो ध्यान से, नहीं ये वाले में भी मैंने वही डाल रखा है क्या? हाँ ये वाला डायग्राम देखो बेटा, सारे बच्चे इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं आपको वो रेले वेव और एल वेव में डिफरेंस ज्यादा बेटर समझा सकता हूँ। देखो रेले वेव जो है, अगर आप बेटा ध्यान से देख रहे होगे तो रेले वेव देखो ये ऐसे भी जा रही है, ऊपर और नीचे भी जा रही है, बट ये ऐसे साइड बाय साइड मूवमेंट भी कर रही है। देखो अगर आप लोग देख रहे हो तो ये देखो साइड को भी खिसका रही है, अगर आप देखो ये साइड को भी खिसका रही है, मतलब ये दो टाइप का मूवमेंट कर रही है, ऊपर से नीचे भी मूवमेंट कर रही है और साइड बाय साइड। मतलब क्या, रेले वेव ऐसे ऐसे भी चलती है और रेले वेव ऐसे ऐसे भी चलती है, बात समझ पा रहे हो? जबकि जो एल वेव है वो सिर्फ कैसे चल रही है, देखो एल वेव सिर्फ साइड बाय साइड चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, एल वेव सिर्फ साइड बाय साइड। ये देखो ये खाली साइड को डिस्टर्ब कर रही है, आप ध्यान से देखो ये साइड को डिस्टर्ब कर रही है मेनली, साइड बाय साइड। देखो इसको मैं ऐसा थोड़ा बताता हूँ, शायद ज्यादा बेटर हो। देखो देखो गाइस, एल वेव इधर गई पहले और फिर इधर आई, समझ रहे हो? इधर गई पहले फिर इधर आई, तो यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, इधर भी जा रही है इधर भी आ रही है, बट ये ऐसे ऐसे भी मूवमेंट कर रही है। हाँ जी, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी, बिल्कुल सही कहा रिया जी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों हो रहा है, और यही चीज आपको यहाँ पे डायग्राम में देखने को मिल रही होगी, डायग्राम में आपको यही चीज देखने को मिल भी रही है। देखो यहाँ पर आपको ये रोटेशन भी देखने को मिलेगा, ये रोटेशन भी देखने को मिलेगा, तो साइड बाय साइड भी मूवमेंट हो रहा है इसका, और रोटेशन टाइप का मूवमेंट भी दिख रहा है ना। तो अगर मैं बात करूं गाइस, तो अभी तक में जो सबसे खतरनाक वेव मुझे दिख रही है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव दिख रही है, वो यही दिख रही है, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से विध्वंस कर सकती है। हाँ जी, आई होप आपको ये थोड़ा सा मूवमेंट समझ में आ गया होगा, ये मुझे थोड़ा सा आपको बताना था। मैं वापस जाऊंगा और अभी आपको थ्योरी पढ़ाना चालू कर दूंगा जो अपने मेन है, ठीक है? तो आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, जो ये वही सेम डायग्राम है, बस तरीका दूसरा है। ये अगर हम बात करें, रोटेशन और ट्रांसवर्स दोनों हो रहा है और ये खाली साइड बाई साइड चल रही, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे बताना था। अब मैं आगे चल रहा हूँ, ये थोड़ा सा बेटा मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा टफ वाली चीजें थी, अब जो कि निकल चुकी है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बिल्कुल भी नहीं आया तो बताओ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ और फिर मैं मतलब की बातों पे चलता हूँ। गाइस समझ पा रहे हो क्या? अच्छा, ये सब मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये सब जो है साइंटिस्ट ने बताया हुआ, मैं सिर्फ आप लोग के साथ में बता रहा हूँ कि कैसा होता है, और अभी कैसे होगा मैं आपको भी और ज्यादा बताऊंगा। ये एक चीज अगर समझ में आ गई तो एक बार बता दो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सारे बच्चे एक बार कमेंट करो, आनंद, साक्षी है ना, ऐश, शीतल, विनय, सागर, एक बार मुझे बता दो, सौरव, सारे बच्चे यार एक बार बता दो ताकि मैं आगे चल सकूं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप लोगों को मैंने बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं घुसा दिया है ना, क्योंकि जानना भी जरूरी था मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने बता दिया। बता दो मुझे एक बार, अगर ऐसा लगे कि सर नहीं ये हमारे हमको नहीं आया, ऊपर से चला गया, बाउंसर चला गया, तो एक बार बता देना, ठीक है बेटा? चलो अब हम लोग बात करें, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि ये सपोज कर लेते हैं गाइस कोर है, ठीक है? कोर के चारों तरफ हमको क्या देखने को मिलता है, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेंटल, और मेंटल के गाइस चारों तरफ आपको देखने को मिलता है क्या, क्रस्ट। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं बात करूं जो पी वेव्स होती हैं वो यहां तक पहुंच जाती हैं, ये पी वेव्स यहां तक पहुंच जाती हैं, बट मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि कभी भी जो आपकी एस वेव है वो कभी भी लिक्विड को क्रॉस नहीं कर सकती है ना, तो वो कभी भी यहां तक पहुंचेगी क्या? कभी नहीं पहुंचेगी। एस वेव यहां तक कभी नहीं पहुंच सकती, ठीक है ना, जबकि प्राइमरी वेव वहां तक पहुंच सकती है। आई होप आप सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, तो इतनी बात आप लोग समझना ध्यान से, ठीक है ना। एस वेव कभी भी आगे नहीं पहुंचेगी, और ऊपर आपको जो मिलती है, ऊपर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऊपर जो आपको मिलती है यहां पर ऊपर अर्थ के सरफेस पे मिलती है, यहां पर आपको मिलती है एल वेव्स एंड आर वेव्स,
थोड़ा सा मुझे आपको बताना था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं देख जैसा कि देख पा रहा हूँ गाइस थोड़ा ज्यादा डीप हो गया, अब मैं आगे से थोड़ा आसान चीजें ही कराया करूंगा। तो गाइस अगर अपन लोग बात करें तो मुझे एक बार बता दो कि ये चीज समझ पे आ रहे हो क्या, क्योंकि जो पी वेव है वो हर मीडियम को क्रॉस करके चली जाती है, पी वेव जो है वो हर मीडियम को क्रॉस करके चली जाती है, जबकि एस वेव कभी भी आपको इस एरिया में आती हुई नहीं दिखेगी। एस वेव आपको कभी भी इस एरिया में आती हुई नहीं दिखेगी, आई नहीं पाएगी। अब हम आगे चलते हैं गाइस, अब लोग सीधे मतलब की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। थोड़ा सा मुझे बताना था, मैंने करा दिया, अब मैं सीधे आगे जा रहा हूँ। चलो अब हम लोग वो पढ़ेंगे जो मेन आपके काम की चीजें हैं, है ना। ये आपके सिलेबस में था ही नहीं मुझे पता है, बट थोड़ा सा अगर मैं नहीं बताता ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार बताना चाहिए। चलो हाँ जी, चलो गाइस अब जो काम होने जा रहा है ये आपके काम का है। आप सपोज करो गाइस, अब आप जिस जिस बच्चे को सिर्फ एग्जाम निकालना हो यहां से पड़ेगा, उतना यहां से पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अर्थक्वेक के उस चीजों पे चले जा रहा हूँ जो सिंपल वाली चीजें हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, हाँ सपोज करो गाइस, सपोज करना ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां से जहां पर आप बोल सकते हो फॉल्ट आया। जहां पे फॉल्ट आया मतलब समझ पा रहे, ये वो पॉइंट है जहां पे फॉल्ट आया, जहां पे मतलब आप बोल सकते हो जहां से वेव्स का जनरेशन स्टार्ट हुआ, और इस पॉइंट को ही गाइस कहा जाता है फोकस। इस पॉइंट को ही कहा जाता है फोकस, और इसी को अपन लोग बोलते हैं हाइपो सेंटर। हाइपो क्या कहेंगे, हाइपो सेंटर, और इसको हिंदी मीडियम में कहेंगे उद्गम केंद्र। इसको हिंदी में कहेंगे उद्गम केंद्र। ये वो जगह है गाइस जहां से फॉल्ट आया, ठीक है ना। हाँ जी, रैले वेव सबसे ज्यादा खतरनाक डिस्ट्रक्टिव होगी, सबसे ज्यादा। अगर हम लोग बात करें, देखो पहले एल वेव को माना जाता था, बट जब इसकी डीपली स्टडी की गई ना, आर वेव की जो जब बहुत ज्यादा स्टडी की गई, तो अब ये कहा जाता है भाई कि आर वेव ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। एल वेव्स के बारे में अब उसको नहीं मानते, आर वेव्स को मानते, बट होता क्या है हमारी बुक्स में एल वेव्स को दे दिया जाता है ज्यादातर। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुक्स होती है ना उसमें आर वेव्स का कहीं पर जिक्र भी नहीं होता। आपकी बहुत सारी बुक्स आप उठा करके देखना, उसमें आर वेव्स का जिक्र ही नहीं मिलेगा। एल वेव और आर वेव को दोनों को एक ही मान लेते हैं कि वो दोनों सरफेस वेव, बात समझ पा रहे, दोनों को ही सरफेस वेव मान लेते हैं। हाँ अभी मैं आ रहा हूँ एक एक करके, भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। तो ये वो पॉइंट है जहां पे फॉल्ट आया। अब जहां से फॉल्ट आया यहीं से देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी किसके रूप में रिलीज होती है, वेव्स के रूप में, है ना। जैसे कि जो साउंड होता है वो साउंड कैसे आता है, ड्यू टू वाइब्रेशन। तो ये देखो एनर्जी रिलीज हो रही है गाइस, अब धीरे धीरे एनर्जी ऊपर जा रही है, ठीक है धीरे धीरे। अगर गाइस मैं बात करूं, मेनली बुक में एल वेव ही मिल जाएगा आपको, बट बुक में आर वेव नहीं मिलेगा। तो अब गाइस धीरे धीरे एनर्जी ऊपर जा रही है, अगर आप लोग ध्यान दो, धीरे धीरे एनर्जी ऊपर जा रही है, और बिल्कुल बिल्कुल अगर मैं बात करूं, बिल्कुल यहां से एकदम परपेंडिकुलर अगर अपन चले जाएं, 10 सेकेंड, हाँ जी हाँ मैं कहा था, हाँ बिल्कुल अगर अपन लोग यहां से परपेंडिकुलर चले जाएं, बिल्कुल अगर हम लोग यहां से परपेंडिकुलर चले जाएं फोकस के ठीक ऊपर अर्थ के सरफेस पे, तो यहीं पर हमको मिलता है गाइस क्या, आप सब जानते हो, यहीं पर हमको मिलता है एपी सेंटर, जिसको यहीं पर हमको क्या मिलता है, एपी सेंटर। और यहीं पर जो अर्थक्वेक होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अर्थक्वेक जो होता है वो मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा खतरनाक कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक कहाँ पर होता है, या फिर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है एपी सेंटर में होता है। क्या दोस्तों ये वाला पॉइंट आप समझ पा रहे हो? और एपी सेंटर को हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र, एपी सेंटर को हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र, एपी सेंटर को हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र। और यहीं पर गाइस, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलती है क्या, यहीं से आगे बढ़ती हुई आपको दिख जाएंगी, सपोज कर लेते हैं ये रही वेव्स, एल वेव्स, ये एल वेव्स, और ये ऐसी वेव्स क्या हो जाएंगी, आर वेव्स। आर वेव्स पूरा घुमा भी देती है ना, ये आर वेव्स हो गई, और यहाँ पर थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाना, बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएंगी एल वेव्स।
क्या दोस्तों आप सभी को ये समझ पा रहे हो क्या? पता नहीं, मुझे भी नहीं आइडिया कि आप लोगों को क्या हो रहा है, बट मुझे एक बार कमेंट करके बता देना अगर बहुत ज्यादा टफ हो रहा है तो भी। अच्छा, आप ये चाहते थे कि मैं एकदम सिंपल पढ़ा दूं बिना कॉन्सेप्ट को बताए? हाँ जी, ये सिस्मिक वेव जनरेट हुआ है और आप देखो ऊपर जाकर के मैंने आपको एल वेव्स और आर वेव्स दोनों दिखाए, एल वेव्स और आर वेव्स दोनों दिखाए। एक बार आप लोग यार कमेंट करके बता दो अगर ये समझ में आ गया हो तो। एल वेव्स और आर वेव्स अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो। एक बार गाइस कमेंट करके प्लीज बताएं कि आपको क्या ये समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो भी बता दें। क्लियर है चीजें? क्या हम आगे चल सकते हैं गाइस? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। आकाश, श्रिया, नरेश, उत्कल, सौरभ, चले तो ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। कुछ जेठालाल लोग होंगे जिनको नहीं समझ में आएंगी, तो यार उनका अपन कुछ नहीं कर सकते, आगे देखते हैं। हाँ, पर यहाँ पे मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके भविष्य के लिए यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग कि ये ओरिजिन पॉइंट था, ये ओरिजिन पॉइंट था। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बताना, अपन लोग उसको दोबारा स्पेशल क्लास में पढ़ेंगे। ओके गाइस, चलो थैंक यू यार, है ना, बस बने रहो गाइस, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए। अब चीजें आसान है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना। और सबसे खतरनाक जो पावरफुल होता है वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज होती है। चलो अब हम आगे पढ़ेंगे अगला पॉइंट गाइस। तो ये भूकंप जब ये सिस्मिक वेव्स आएंगी तो इनके बारे में हमको पता चलता है कहाँ से? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ में इनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। सिस्मोग्राफ से हमको आइडिया लग जाता है किसके बारे में? अर्थक्वेक। बट आप लोगों ने रिस्टर स्केल, मार्केली स्केल इनका नाम सुना होगा, तो हम लोग वहां भी चलते हैं और वो चीजें भी आज के बाद आपको डाउटफुल नहीं करेंगी, आप बस सुनते जाइएगा। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें होती है गाइस यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ दो चीजें होती है बताने वाली। एक चीज क्या होती है कि इंटेंसिटी क्या होती है, और दूसरी क्या होती है मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो एक एक करके मैं दोनों चीजें आपको समझाऊंगा कि इंटेंसिटी क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है ना। सारे बच्चे बस ध्यान से सुनते जाना, समझ में आएगा। हाँ जी, एल वेव्स जो है वो लंबा है और आर वेव्स जो है वो घुमावदार है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से, अर्थक्वेक में दो चीजें बताई जाती है कभी भी। एक होती है इंटेंसिटी और सेकेंड पॉइंट होता है गाइस मैग्नीट्यूड। दोनों ही अपन समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। हिंदी में बेटा एक को बोलते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी को अपन लोग तीव्रता बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड को आप परिमाण कह सकते हैं। ठीक है, और दोनों को ही मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं, और ये दोनों चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा और देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इंटेंसिटी की बात करते हैं गाइस। इंटेंसिटी क्या होती है? तो इंटेंसिटी का मतलब आप समझ सकते हो, इंटेंसिटी का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। आसान भाषा में कितना विध्वंस हुआ है, आसान भाषा में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसका मतलब क्या होता है गाइस? अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये आप बोल सकते हो कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। ये क्या बताता है? कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैमेज। बात समझ पा रहे हो? जितना भी अगर गाइस मैं बात करूं, जितना भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी आपका नुकसान हुआ है, उसी को अपन लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे कि आपसे बोल देंगे कि भाई इतना ज्यादा नुकसान हुआ, तो इसका मतलब क्या है? इंटेंसिटी हाई थी। तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डैमेज के, है ना। जितना ज्यादा अर्थक्वेक का प्रभाव होगा, अर्थक्वेक के प्रभाव से पेड़ तो नहीं लगने लग जाएंगे, घर तो नहीं बनने लग जाएंगे, इससे क्या होता है? डैमेज होता है। अब अगर मैं बात करूं यहां से एनर्जी रिलीज होता है, अब एनर्जी रिलीज को अपन लोग मैग्नीट्यूड मानते हैं, और इसको मेजर करने के लिए जो स्केल दी जाती है गाइस, उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल में आपके एग्जाम में आता है, ये 0 से लेकर के 9 डिजिट तक की होती है रिक्टर स्केल,
और ये एक लॉगरिथमिक स्केल होती है, ये एक लॉगरिथमिक स्केल होती है, लघुगणकीय स्केल होती है। और गाइस याद रखना, सपोज करो आप 5 रिश्टर से 6 रिश्टर तक जा रहे हो, सारे बच्चे ध्यान देना, अगर आप 5 रिश्टर से 6 रिश्टर तक जा रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गाइस आपको याद रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 10 टाइम्स हो गया, एम्पलीट्यूड जो है वो 10 टाइम्स हो रहा है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है गाइस वो आपको जान करके हैरानी हो जाएगी, 31.6 टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। तो आई होप आप सबको ये बात यार क्लियर हो रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि आपको ये समझा पाऊं कि होता क्या है। ये 31.6 मतलब क्या होगा, एक रजिस्टर का डिफरेंस कितना होता है, 31.6 टाइम्स होता है मैग्नीट्यूड का, यानी कि इतना एनर्जी रिलीज होता है। और इंटेंसिटी की बात करूं दोस्तों, तो इंटेंसिटी जो होता है वो डैमेज। अब इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं, तो आप सभी ने एक स्केल का नाम सुना होगा इस, है ना, जिसका नाम क्या है, मरकेली स्केल। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, क्या नाम है इसका, मरकेली स्केल। और मरकेली स्केल की बात करूं तो इसमें डिजिट होती है 1 से लेकर के 12 तक, है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपके लिए जरूरी है ये रिक्टर स्केल। हाँ क्या हुआ ज्योतिरादित्य भाई, बताना कोई इशू आ रहा है तो मुझे एक बार बता दो भाई। मनोज गुप्ता विदाउट कंसेप्ट, हाँ जी भाई, किसी को कोई इशू आ रहा है यार तो एक बार मुझे बता दो, अब मैं प्रकट हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। किसी को कुछ इशू आ रहा है तो मुझे एक बार बता दो भाई, मैं जानबूझ के हाइड होता हूँ ताकि यार आप लोग को ये दिख सके, ठीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं झेल पाए होंगे मुझे पता है, मैं अब कोशिश करूंगा आगे से कि जो टॉपिक होगा उसको आपको कॉन्सेप्ट से थोड़ा दूरी भागते हो आप लोग कुछ बच्चे, पर जो बच्चे हैं उनके लिए यार मुझे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। कहीं पे समझ लेना है तो मुझे बता देना, इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड का दोनों मैंने डिफरेंस यहाँ पे कराया है, ज्योतिरादित्य बताना भाई, ठीक है ना। बाकी सारे बच्चे मनोज प्रशांत मुझे एक बार बता देना गाइस, आपको पता है मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कराने का कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, रिच कंटेंट प्रोवाइड करूँ। इस चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तो गाइस मेरा एक ही मानना है कि आपको अच्छा कंटेंट दूँ। हाँ गाइस देखो, मैंने आपको वही बताने का प्रयास किया, इंटेंसिटी हमेशा मर्कैली स्केल बताता है और एनर्जी रिलीज हमेशा रिस्टर स्केल बताता है। मैंने आपको यहाँ पे एकदम एक्यूरेट बात बताई है, ये है गाइस एम्पलीट्यूड, ये है गाइस एम्पलीट्यूड, यस और नो, और ये है एनर्जी रिलीज। भाई मैं कॉन्सेप्ट तो रखना ही है, मुझे कॉन्सेप्ट तो रखना ही है, बट मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को चाहिए ना भाई, ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग ये चाह रहे हो कि सर आप सिंपल करा दो तो बस इसलिए पूछ लिया। अब एक छोटा सा नोट गाइस, मैं मेरा ये मानना है कि इन्फॉर्मेशन पूरी दूं और आप लोगों को लग नहीं रहा, पर गाइस मेरा ये मानना है कि आप लोग स्टेट का जो आपका एई का एग्जाम होगा ना उस लेवल तक कर लो, और उस लेवल तक का कर लोगे ना तो आपको हेल्प करेगा। एक बार पढ़ो यार, 10 बार मत पढ़ो। एक छोटा सा नोट करा रहा हूँ, अब तक अगर हम लोग बात करें दोस्तों, अब तक अगर हम लोग बात करें डीपेस्ट जो फोकस है ना, जो स्टडी कहती है कि जो डीपेस्ट फोकस है, सबसे गहरा जो फोकस है वो कितने किलोमीटर की गहराई पे मिला है, तो आंसर है गाइस 750 किलोमीटर, यस और नो। और नॉर्मली हमको जो फोकस होता है वो आपको देखने को मिलता है 50 किलोमीटर अराउंड, या फिर आप बोल सकते हो 50 किलोमीटर टू 750 के बीच में हमको देखने को मिला है। अभी तो मैंने शुरुआत किया है और अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। आज की क्लास में एक बार ध्यान से सुन लो, आपके लिए जो जरूरी है क्या क्या, ये वाली स्लाइड कोई नहीं छोड़ना, सुनो बच्चों ध्यान से, ये वाली स्लाइड कोई मत छोड़ना, ये वाली स्लाइड कोई मत छोड़ना, पुरानी वाली अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वाली पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बताया गया। अगला देखते हैं, ठीक है ना, अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें भाई, नरेश ये तो मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई कि वेयर, ये अभी मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर वो बात करें तो लगभग इतना बताया जाता है, एक रेंज बता दी गई है। एक्चुअली क्या हुआ, बुक में ये लिखा हुआ है कि जो रेंज मिली है कहाँ से कहाँ तक मिली, 50 से 750 किलोमीटर तक, तो उसमें ये नहीं बताया कि मिनिमम 50 कहाँ पर है, 750 कहाँ पर है, ठीक है। आपको एक रेंज दे दी गई है और इसलिए मैंने वो रेंज आपको बता दी कि इस रेंज में मिलता है, ठीक है ना।
ठीक है ना, आई होप बात समझ पा रहे होगे। चले आगे, तो देखो मैंने रिश्टर, मर्कैली ये सब कुछ बता दिया है भाई। अगर सिज्मिक वेव्स आ रही है तो इसका मतलब क्या है? सिज्मिक वेव्स आ गई इसका मतलब है कि भाई अर्थक्वेक आ रहा है। सिज्मिक वेव्स आ रही है इसका मतलब क्या है? सिंपल है, अर्थक्वेक आ रहा है। सिज्मिक वेव्स के आने का ही मतलब है कि अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का है। देखो हम बात करेंगे इंडिया में कौन कौन सी जगह पे अर्थक्वेक आता है इंडिया में बेटा, और अगर मैं उन सब चीजों के पीछे और ज्यादा गया ना तो और भाग जाएंगे बच्चे। इतना पढ़ो पहले, ठीक है, इतना पढ़ो पहले, जितना जरूरत है उतना कर लो पहले, यस और नो? और ज्यादा गया तो भाई फिर देखो और क्या हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको लगभग सब कुछ बता दिया है जो आपको जानना चाहिए। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं से ही पढ़ो, यही चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है भाई, चले आगे, है ना? तो याद रखना ऐसा यार टाइम पीरियड, यार तो मैंने भी कहीं देखा नहीं। सिज्मिक वेव्स का जनरेशन होता है तो मतलब भूकंप आएगा, एक अंदाजा लगाते हैं साइंटिस्ट, यहाँ इतना इतना समय लग सकता है, बट अगर स्टार्ट हुआ तो समझ लो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें इंडिया में, इंडिया में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है कच्छ में। ध्यान देना सारे बच्चे, हर उस स्टेट में जहां पर रहता है क्या हिमालय। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय वाला जो एरिया है, जो नेपाल में भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि जो इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है वो हर बार नॉर्थ की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में, हिमालय वाले सारे स्टेट में, यस और नो? दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में है ना, और हिमालय वाले सारे स्टेट में मतलब क्या है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आप समझ पा रहे हो क्या? हिमाचल प्रदेश, इन सब जगह आपको देखने को मिलेगा क्या? अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। हाँ निकेश, क्या कह रहे हैं भाई बताए मुझे, क्या कह रहे हैं भाई बताए मुझे, मैं भी देखना चाहूंगा। आप जो भी बोल रहे हैं एक बार मुझे कमेंट करके बता दें। हाँ जी, हिमालय फोल्ड होता रहता है और इसी चक्कर में नेपाल में हमेशा भूकंप आता है। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में अब तक सबसे खतरनाक भूकंप कहाँ पर आया है, तो याद रखना इंडिया में अब तक सबसे खतरनाक भूकंप आया आसाम में, और कितने रिस्टर का आया है? तो 8.7 रिस्टर का आया है, और ये आया था 1950 में, 1950 में। देन जो गुजरात वाला हम लोग सुनते हैं जो हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ था वो आया था 8.3 रिस्टर का। ये अभी तक इंडिया का मैक्स है, ये अभी तक इंडिया का मैक्सिमम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जो गुजरात में आया था 2001 में, भुज में। भाई दिल्ली, अगर हम लोग बात करें मीनू कुमारी, जो दिल्ली है वो कहाँ पर है? वो उत्तराखंड के, यूपी के, इन सब एरियाओं के पास में है, यस और नो? तो मैंने आपको हमेशा बोला कि जो भी हिमालयन स्टेट है वहां पर क्या रहेगा? वहां पर आएगा। इसका मतलब क्या समझते हैं आप गाइस? इसका मतलब होता है, देखो आप लोग शायद थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में मत जाना, अगर ये फोकस है तो यहाँ पर अगर आया, अगर ये हिमालयन स्टेट है यहाँ पर आया, तो इसके आसपास के स्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा क्या भूकंप? पर जो तीव्रता होगी वो कहाँ पर होगी? पहाड़ी इलाकों में, यस और नो? बेटा फोल्डिंग में पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार हिमालय पढ़ें, एक बार प्लीज हिमालय पढ़ें, हिमालय का लेक्चर देखें, क्योंकि उसके लिए यार मुझे ये पूरी क्लास डिस्टर्ब करनी पड़ेगी। ऐश शिंदे है ना भाई, प्लीज है ना, उस लेक्चर को एक बार देखें, वहां पे मैंने फोल्डिंग माउंटेन पढ़ाए हैं, पूरा दिखाया है मैंने, तो ये याद रखना आप सारे बच्चे। तो आसपास के एरिया में आएगा, इससे दिल्ली में भी आपको भूकंप देखने को मिलता है। आई होप यार ये बात क्लियर हो गई होगी, मैं आगे चल सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अगले तरफ जा रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले तरफ मैं जा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनामी पे आ रहा हूँ भाई, रुक जाओ थोड़ा, सुनामी पे भी आ रहा हूँ, सुनामी पे बात कर लेंगे, सुनामी का क्या कैसे बात कर लेंगे भाई। सुनामी की अगर आप बात करें तो आसान भाषा में तो मैं ये समझाऊं कि जब भूकंप, जब जो भूकंप होता है वो समुद्र में आ जाता है तब सुनामी आती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जब भूकंप जो है, जब अर्थक्वेक है, जब कहाँ जाता है? समुद्र में आता है, तब सुनामी आती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो आप ये बोल सकते हैं सौरव की लगभग 5-6 तक कोई दिक्कत उतनी खास नहीं होती, बट याद रखना 5-6 में भी जो कमजोर लोग हैं वो गिर जाएंगे, पर जैसी 7 तक पहुंच गया तो मामला बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है ना, उसके बाद मामला जो है वो संभलने वाला नहीं है, बात रखना सारे के सारे बच्चे। हाँ कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो मुझे, अदरवाइज सफल लोग आगे चले।
अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे एक बार बता दें, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, 5-6 तक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, झेल जाते हैं, पर उसके ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ ताकि अपन आज वॉल्केनो भी कर पाए। हाँ, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको कराने जा रहा हूँ गाइस, प्लीज फोकस करना। मैक्सिमम जो भूकंप आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? वो आते हैं रिंग ऑफ फायर में। सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो आते हैं रिंग ऑफ फायर में। कहां पर आते हैं? रिंग ऑफ फायर। और ये रिंग ऑफ फायर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में। और ये पैसिफिक ओशियन में कैसे? अभी मैं आपको पूरा एग्जांपल दे देता हूं। ये देखो, ये ऐसा मान लो ये रहा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और यहां पर एक कंट्री ले लो आप, यहां पर एक कंट्री ले लो जापान। जापान रिंग ऑफ फायर में आता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2011 में जापान में भूकंप आया था 9 रिश्टर का। 2011 में जापान में आया था 9 रिश्टर का भूकंप आ चुका है। यस और नो? इस साइड चले जाओ तो चिले, इस साइड चले जाओ तो चिले, यहां पर एक कंट्री ले लो चिले। अब गाइस अगर मैं चिले की बात करूं तो यहां पर अब तक का हाईएस्ट आया हुआ है पूरे वर्ल्ड का 9.5 रिश्टर। और ये 9.5 रिश्टर कब आया? 1960। एक भी बच्चे ने मुझसे ये नहीं पूछा कि जो लॉगरिथमिक जो आपका स्केल है वो तो 9 तक ही है, उसके ऊपर कैसे मेजर कर रहे हो? बिहार में सीरीज आई थी अर्थक्वेक की। हाँ बेटा, हिमालय के जितने भी पास में स्टेट है ना, जो भी उनके आसपास के, वहां पे आएगा ही आएगा। ठीक है ना, चिले। और आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक माउंटेन भी मिलते हैं जिसका नाम है एंडीज। मैंने आपको पढ़ाया था और वहां पर आपको बहुत सारे मैंने वॉल्केनो भी पढ़ाए थे। हाँ या ना, आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा। यस और नो? ऊपर आपको रॉकी माउंटेन मिलेगा, नीचे आपको एंडीज मिलेगा, अगर लोग धीरे धीरे जाए तो, है ना। और इस साइड चले जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फिलीपींस। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? फिलीपींस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है जो पैसिफिक ओशियन वाला, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एक और लिख लेते हैं गाइस, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी आप लोगों ने भूकंप आए दिन सुना होगा। यहाँ पर हाईएस्ट भूकंप अब तक आया 9.3 और ये आया था 2004 में। समझ में आया कि इसके ऊपर ले लोगे तो आपको यहाँ पे इक्वाडोर मिल जाएगा, पेरू मिल जाएगा, चिली मिल जाएगा। क्या ये सब कुछ समझ में आया? और इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि जो वॉल्केनो होते हैं वो भी यहीं पे सबसे ज्यादा फटते हैं। जो वॉल्केनो होते हैं वो भी यहीं पर सबसे ज्यादा फटते हैं। देखो मैंने बोला तब पूछे। अब याद करो, जब आप बचपन में छोटे हुआ करते थे तो आपको याद रखो, जब आप लॉग निकालते थे तो लॉग में क्या होता था? पॉइंट की वैल्यू भी दी होती थी। पॉइंट वन की वैल्यू क्या है, पॉइंट टू की वैल्यू क्या है, पॉइंट थ्री की वैल्यू क्या है ना। और इसी के बाद इसी चक्कर में आप निकाल सकते हो, है ना। नाइन तक निकालने के बाद सपोज करो पॉइंट टू की वैल्यू आपको पता है तो आपने निकाल लिया, पॉइंट थ्री की वैल्यू पता है तो आपने ऐड कर दिया। आई होप बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और अभी तक कभी भी 10 रजिस्टर तक अपन लोग नहीं पहुंचे। हाँ जी, चलूं आगे। तो गाइज ये सब बातें आपको याद रखनी है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। और एक सवाल उठता है, सुनामी। सुनामी के बारे में अगर हम बात करें तो सुनामी क्या होता है गाइज? जब अर्थक्वेक कहां पर आता है? पानी में आता है, ओशियन में आता है, तब उसी को बोलते हैं सुनामी। और मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपको बताना है कि कितने रिक्टर का भूकंप आना चाहिए कहां पर? समुद्र में, कि सुनामी आए। कितने रिक्टर का भूकंप आना चाहिए समुद्र में कि सुनामी आए? ये आपको मुझे होमवर्क पे बताना है। ठीक है ना, अब तक नहीं आया भाई, सौरभ कुमार नहीं आया। ठीक है ना, बट अपन लॉग की वैल्यू आपको याद ही होगा, लॉग की वैल्यू अपन लोग निकालते हैं। आसिफ ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन लोग लॉग की वैल्यू निकालते हैं ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। आई होप समझ में आ रहा होगा सौरभ,
लॉग की वैल्यू अपन लोग निकालते हैं ना वहां से भाई। क्लियर है क्या अभी, कि अभी भी क्लियर नहीं है, एक बार बताओ मुझे। सुनामी के बारे में आपको मैंने बोला है कि अर्थक्वेक जब कहां पर आ जाए, ओशियन में आ जाए या फिर पानी में आ जाए तो सुनामी आती है, और आपको मुझे बताना है कितने रिस्टर का आएगा तो सुनामी आती है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दिया मैं, है ना, आपको आसान भाषा में ही समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव ना हो। ईयर कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद करने के पीछे मत भागना, ईयर याद करने के पीछे मत भागना। मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंपलिसिटी के लिए, मैंने आपको आपकी सिंपलिसिटी के लिए ही ईयर बताया बस। अब एक बार आप सारे बच्चे मुझे बता दो, क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूं, क्या मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलूं? अगर हाँ तो बताओ, मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें ही बताने का प्रयास करूंगा उसमें, ताकि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाए। डन। अब देखो, अगर गाइस मैं वॉल्केनो के बारे में बात करूं ना, अगला टॉपिक है हमारा वॉल्केनोस, छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है ना, इसको मैं वही उतना ही कराऊंगा जितने की जरूरत है, और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके दिमाग में है। जब मैंने फोल्डिंग माउंटेन बढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था। अगला टॉपिक है वॉल्केनोस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी। किसी के मन में और कोई डाउट है तो बता दो, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मजा नहीं आया तो भी बता दो। यार मैं अपनी तरफ से प्रयास पूरा कर रहा हूं, बट आपको भी ना थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आपको थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। चलो सौरभ भाई थोड़ा इंक्रीज करो आप। हाँ, वॉल्केनोस की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, तो देखो अगर मैं बात करूं दोस्तों, वॉल्केनो कैसे बनते हैं, तो मैंने आपको ये समझाया था। कब समझाया था? तो जब मैंने आपको फोल्डिंग माउंटेन पढ़ाया था तब समझाया था। हाँ जी, किलिमंजारो मैंने होमवर्क दिया था। किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट क्या है, माउंटेन भी है, और वो एक वॉल्केनो भी था, उसके बारे में आज बात होगी, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। चलो गाइस, ओके रिया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लास कब तक? क्लास बस थोड़ी देर और, क्योंकि वॉल्केनो में खाली मेरे को एग्जाम्पल मेनली आपको समझाने हैं, और यहाँ से ज्यादा आपको नहीं करना। देखो अगर गाइस हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, वॉल्केनो के बारे में, तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले वॉल्केनो कैसे निकलता है ये आपको पता है। जब वॉल्केनो फटता है तब क्या क्या निकलता है, वो आपको मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा बस, है ना। तो आप लोग घबराना मत दोस्तों, बस घबराना मत, क्योंकि मैं यार चीजें आपके साथ डिस्कशन करने की हिम्मत कर रहा हूँ, इसीलिए ये मुझे पता है कि आप लोग थोड़ी हिम्मत रखोगे। चलो ठीक है ना भाई, आप खुद सोचो कि रिश्टर स्केल किसने बनाया होगा, बताना मुझे जरा। ठीक है, बताना मुझे, एक एक करके आएंगे ना भाई, एक एक करके। ठीक है, हाँ जी, चलो अगर हम लोग बात करेंगे, वॉल्केनोस के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, तो अगर देखो अगर वॉल्केनो के बारे में बात करें तो सिंपल इसको समझना है आपको बहुत ही आसान सी भाषा में। एक है आपका कोर, हमने पढ़ा हुआ है ये, कोर के ऊपर क्या है मेंटल। देखो कॉन्सेप्ट का यार अलग बात होता है, फैक्टल चीज जो फैक्चुअल डाटा होता है ये हमको थोड़ा बहुत एक बार और हो सकता है क्रॉस चेक करना पड़े, ठीक है, बट हमेशा याद रखना कि कॉन्सेप्ट जरूरी है, फैक्ट अपन लोग आराम से कर लेंगे धीरे धीरे, कोई इशू नहीं। फैक्ट आप क्वेश्चन से भी निकाल सकते हैं, जितने निकालना चाहो। क्रस्ट, मेंटल और लास्ट वन, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है गाइस, ना भाई ऐसा नहीं है, ये रहा कोर, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। कोर, मेंटल, आता हूं आप लोग के क्वेश्चन पे, रुक जाओ थोड़ा, अभी कॉन्सेप्ट पे कोई इश्यू है तो मुझे बता दो, फिर मैं उस चीज पे भी आता हूँ। कोर, मेंटल और क्रस्ट। अब गाइस ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, अब
थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या आप सभी लोग जानते हो यार, वो मैंने आपको उस समय पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मुझे, जब मैंने आपको फोल्ड माउंटेन पढ़ाया था, तब तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो नीचे का मैग्मा होता है वो ऊपर आता है ना। मैं इसको और ज्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको और ज्यादा बढ़ाया तो आप में से बहुत सारे बच्चों की और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, क्योंकि हम वहां तक पढ़े जिसकी हमको जरूरत है। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वोल्केनो कैसे बाहर आता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे आपका कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, और यहाँ पर एक चीज भरा होता है, और ये होता है पिघली हुई अवस्था में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। हमेशा नीचे आपको क्या मिलेगा, मैग्मा मिलेगा, मैग्मा मिलेगा, और आपको बस इतना याद रखना है कि ऊपर जाएगा जब ये मैग्मा, सपोज करो ये मैग्मा ऊपर जा रहा है, ध्यान देना, अभी मैं आपके डाउट्स एक बार देखूंगा लास्ट में, ये क्या जा रहा है मैग्मा, और ऊपर की तरफ अगर हम लोग जाएं यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये मैग्मा क्या करेगा, ऊपर जा रहा है और आ करके यहाँ पे रुक जाएगा और धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। अब ये जो मैग्मा ऊपर जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस लावा, इसी को हम लोग बोलते हैं लावा। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये मैग्मा ऊपर जाता है, इसको आप ध्यान रखना, इसको अपन लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, संवहनी धारा, इसको अपन लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। इसके डिटेलिंग में जाने की कतई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको याद रखना, कन्वेक्शन करंट, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको अभी समझाने के लिए गया तो ये और ज्यादा दिक्कत वाली चीज होगी और आपके काम की है भी नहीं, संवहनी धारा, और ये आपके एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती कन्वेक्शन करंट। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे ऊपर जा रहा है, तो थ्रू कन्वेक्शन करंट, यानी कि संवहनी धारा के थ्रू जाती है। अब ध्यान देना, ये वाला जो एरिया है गाइस, ये वाला जो एरिया है ना, जिसको आप एकदम ऊपर देख रहे हो यहाँ पे, इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा आपका क्रेटर, ध्यान देना सारे बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर, आप सभी ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हाँ, कन्वेक्शन करंट क्या, मूवमेंट ऑफ मैग्मा ही है ना, कन्वेक्शन करंट कुछ और नहीं है, मूवमेंट ऑफ मैग्मा ही है। बट अगर मैं बात करूँ ये क्यों होती है, तो ड्यू टू प्लेट मूवमेंट टेक्टोनिक्स, पावर्ड बाई टेक टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स आप बोल सकते हो, है ना। पर याद रखना ये है क्रेटर, और क्रेटर को इसका बोलते हैं माउथ, अभी ध्यान देना सारे बच्चे, क्रेटर को अपन लोग बोलते हैं ज्वालामुखी का माउथ बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे जहाँ पे मैग्मा भरा होगा, यही मैग्मा धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर के यही मैग्मा क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, यही मैग्मा धीरे धीरे क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। अब ये जो आप चैम्बर देख रहे हो, जिस भी प्लेस पे सपोज करो चैम्बर है, जिस भी प्लेस पे सपोज करो गाइस ये चैम्बर है, अब जब तक इस चैम्बर में आपको भरता हुआ दिखेगा क्या मैग्मा, तो उस समय आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा। बट जब ये चैम्बर खाली हो जाएगा, ध्यान रखना गाइस, जब ये चैम्बर खाली हो जाएगा तो वोल्केनो आना बंद हो जाएगा उस एरिया में, जिस भी एरिया में आपको ये कन्वेक्शन करंट ऊपर देखने को मिलता है। आपके काम की जो बात है वो मेनली ये है कि वोल्केनो जब आता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ। देखो, वोल्केनो के टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा वोल्केनो कब आता है, बट यार फिर भी थोड़ा सा मैंने मैंने बताने का प्रयास किया, बट शायद अगर समझ में आया तो अच्छी बात है भाई गाइस, नहीं तो आपको सीधे उनके टाइप और उनके नेम याद करने हैं। देखो, जब ये ऊपर आता है तो अपने साथ में कुछ सॉलिड भी लेकर के आता है, और इन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, जिसके साथ में जो कुछ सॉलिड ऊपर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरो पायरोक्लास्टिक बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो बोलते हैं, जो सॉलिड ऊपर आता है वो कहलाता है पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, अगर मैं कहूँ तो मैं इसको रफ भी कर सकता हूँ, आपके एग्जाम के लेवल का है ही नहीं गाइस, आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, जो आएगा मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, अगर हम लोग बात करें गाइस, लिक्विड कौन सा ऊपर आता है, लिक्विड जो पहले मैग्मा हुआ करता था, जो मैग्मा हुआ करता था, हाँ बिल्कुल मिनरल्स ऊपर आ रहा है, वही चीज है वो, है ना। अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड में, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मैग्मा हुआ करता था इनसाइड, इसको मैं क्यों ही लिख रहा हूँ यार, लिक्विड जो ऊपर आया, जो पहले मैग्मा हुआ करता था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लावा। हाँ जी, मिनरल्स है बेसिकली, जो सॉलिड चीजें ऊपर आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलास्टिक फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस, जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस आती है,
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन कौन सी गैस आती है देखने को, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सल्फर आपसे पूछा जाता है, नाइट्रोजन आपसे पूछा जाता है, और आप कभी भी जानो जब सल्फर नाइट्रोजन ये सब देखने को मिलेगी तो उस एरिया में एसिड रेन भी आपको देखने को मिलेगा, यस और नो। तो ये मेन गैसें हैं, पर साथ में अगर बात करूं तो आपको यहाँ पे और भी गैसेस देखने को मिलेंगी जैसे हाइड्रोजन और इसके अलावा क्लोरीन भी, बट आपके एग्जाम के हिसाब से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर और नाइट्रोजन, खास करके सल्फर, खास करके सल्फर। बहुत ज्यादा गाइस मैं नहीं जा रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो जाए, है ना, मैं उतना ही करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको इशू ना हो। हाँ, अब अगर हम लोग बात करें कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, तो चलो अब हम लोग वहां चलते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बस आएगा कि टाइप ऑफ वॉल्केनो और उसके नेम। तो सॉरी यार अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना सल्फर वाला, और मैंने जहां जहां पे स्टार लगाया उसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये क्यों ऊपर आता है, तो इसका रीजन है कन्वेक्शन करंट। इसकी थ्योरी को पढ़ने की जरूरत पता ही नहीं है, नहीं तो आपको यूपीएससी पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। और एक बात और गाइस हमेशा याद रखना यार, फैक्चुअल डाटा में और इन चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मैं फैक्चुअल चीजों पे तो यार मैं उतना ज्यादा वो नहीं कर सकता, बट हाँ जो चीजें अगर हम लोग बात करें, किस चीजों के ऊपर बात करें हम लोग, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मैं फोकस ज्यादा कर सकता हूँ, है ना। पर फैक्चुअल पे हम लोग धीरे धीरे काम कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो। अगर मैं बात करूँ गाइस, सबसे पहला वॉल्केनो होता है एक्टिव वॉल्केनो, और एक्टिव वॉल्केनो को हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वॉल्केनो को हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अब अगर मैं एक्टिव वॉल्केनो के बारे में बात करूं, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करूं, तो ये क्या होता है इसको अपन लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक सिंपल भाषा में ये समझ लेना है कि इसका जो इरप्शन होगा, इसका जो इरप्शन होगा वो फ्रिक्वेंटली होगा, इसका जो इरप्शन होगा वो फ्रिक्वेंटली होगा। मतलब क्या, जो मैग्मा चैम्बर है यहाँ पर जल्दी जल्दी मैग्मा भरता जाएगा, और जितनी जल्दी जल्दी मैग्मा भरता जाएगा उतनी जल्दी जल्दी ज्वालामुखी फटता जाएगा, है ना। तो ये याद रखना कि जो फ्रिक्वेंटली इरप्शन होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। और गाइस अगर मैं एक्टिव वॉल्केनो के एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखो, आया हुआ ही क्वेश्चन है, माउंट स्ट्रोम्बोली। ये कराने के बाद मैं छोड़ दूंगा, ये टॉपिक होने ही वाला है कि एग्जाम्पल में सारे लिखा दूं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है माउंट स्ट्रोम्बोली। बेटा क्वेश्चन यही आने वाले हैं जो एग्जाम्पल है, याद रखना माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली कहां पर मिलेगा आपको, इटली में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, इटली में मिलेगा, है ना, मेडिटेरेनियन सी के पास में। और अगर हम लोग बात करें, ये एक्टिव वोल्केनो है, बार बार फटता है गाइस, बार बार फटता है, और यही रीजन है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंट स्ट्रोम्बोली को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, तो आपको याद रखना है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फटता रहता है ये, इसको आप लोग बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ये इटली में है, ये 10 बार पूछा जा चुका है। सेकेंड वाला देखें गाइस, तो सेकेंड वाला हो जाएगा माउंट एटना भी आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, इटली में। माउंट एटना भी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, इटली में। पर याद रखना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ चले, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलेगा इस अगर हम लोग, तो अगला हो जाएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, अब अगर मैं कोटोपैक्सी के बारे में बात करूं गाइस, तो ये भी ये है रिंग ऑफ फायर में, और रिंग ऑफ फायर का मतलब कहां पर मिलेगा, ये इक्वाडोर। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये कहां पर मिलेगा हमको, ये हमको मिलेगा इक्वाडोर। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये हमको कहां पर मिलेगा, इक्वाडोर। सारे एग्जाम में आने वाले ही लिखा रहा हूँ, सारे एग्जाम में आने वाले ही लिखा रहा हूँ। बैरन आइलैंड के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें, तो ये हमको मिलता है अंडमान में, ये हमको मिलता है अंडमान में। ये एक्टिव वोल्केनो के टाइप्स में लिखा रहा हूँ, आई होप आप सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे।
इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको एक और पढ़ाया ओजोस डेल सेलेडो, ओजोस डेल सेलेडो, ओजोस डेल सेलेडो। अगर मैं ओजोस डेल सेलेडो के बारे में बात करूं तो ये आपको कहां पर मिलेगा बताओ? अर्जेंटीना में। ये गाइस आपको देखने को मिलेगा अर्जेंटीना में, ठीक है ना? ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? अर्जेंटीना में। और मैं आपको वही एग्जांपल लिखाऊंगा जो आपके काम के हैं, ठीक है? हाँ, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये कुछ बहुत ही फेमस फेमस वो वॉल्केनो थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि इसकी इसके बारे में खास बात क्या है, ये हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ये है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पूरे वर्ल्ड का, और इसकी हाइट है 6.906, समझ सकते हैं आप, किलोमीटर होगा 6.9, या फिर मैं इसको मीटर में लिखूं तो क्या कर दूंगा, 6906 मीटर कर दूंगा, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, मीटर में ही कर देता हूँ इसको, 6906। गाइस आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ओजोस डेल सेलेडो, बैरन आइलैंड, कोटोपैक्सी, या फिर माउंट एटना, या फिर माउंट स्ट्रॉम्बोली, यही पढ़ने का प्रयास करना। और अगर अपन लोग बात करें किसके बारे में, ओजोस डेल सेलेडो, कोटोपैक्सी, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन किया था जब मैंने आपके साथ में एंडीज माउंटेन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कैसे वॉल्केनो बने थे, यस सर नो? और वो जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं, यानी कि संवहनी धारा उसको अपन बोलते हैं, ये याद रखना सारे बच्चे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकेंड टाइप के जो वॉल्केनो होते हैं वो होते हैं डोरमेंट। डोरमेंट को हिंदी में बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। अगर मैं डोरमेंट का मतलब आपको समझाने का प्रयास करूं कि डोरमेंट मतलब क्या, तो डोरमेंट वर्ड का मतलब ही दोस्तों क्या है, लेजी। जो क्या है, लेजी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनका इरप्शन होगा कब, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब काफी समय के बाद जो ज्वालामुखी फटते हैं उन्हीं ज्वालामुखी को हम लोग डोरमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंट। हाँ जी, इटली का एंटीना एटना याद रखना है, वो सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है? इसमें दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले तो मैं आपको वही वाला करा देता हूँ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बताओ कौन सा डोरमेंट में, बताओ हमारे यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, अपन लोगों ने पढ़ा था नारकोंदम, नारकोंदम। और नारकोंदम मैंने आपको पढ़ा रखा है कहाँ पर, नारकोंदम मैंने आपको पढ़ा रखा है अंडमान में, नारकोंदम मैंने आपको पढ़ा रखा है अंडमान में, ठीक है? उसके बाद अगर मैं सेकेंड टाइप पे चलूँ, सेकेंड पॉइंट पे चलूँ, हाँ जी सेकेंड पॉइंट पे अगर हम लोग चले तो अगला हो जाएगा क्राकाटोवा। क्राकाटोवा, क्राकाटोवा अपन को मिलेगा इंडोनेशिया। और गाइस अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो इंडोनेशिया है वो भी कहाँ पर, रिंग ऑफ फायर में, रिंग ऑफ फायर में, यही मतलब रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ पे भूकंप और वॉल्केनो दोनों ही बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं दोनों ही। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। माउंट फूजी, माउंट फूजी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का प्रयास हो रहा है और यहाँ पे स्टैटिक डाटा पे पढ़ी है लोगों को, है ना बेटा? याद रखना स्टैटिक हम कभी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और जब तक आप एक बार भी ये सब चीजें नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपके मन में हमेशा दिक्कतें रहेंगी। स्टैटिक तो हम करंट में भी कर लेंगे, अब अगर मैं बात करूँ मतलब एमसीक्यू में भी कर लेंगे। माउंट फूजी के बारे में याद रखना कि ये जापान की हाईएस्ट पीक भी है, ये हाईएस्ट पीक है जापान की, माउंट फुजी, और इसी को हम लोग माउंट फुजी यामा भी बोलते हैं, इसी को हम लोग माउंट फुजी यामा भी कहते हैं, इसको हम लोग माउंट फुजी यामा भी कहते हैं। तो दोनों में घबराने की कतई जरूरत नहीं है ना? माउंट फुजी यामा भी कहते हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ पे, वेस्टुवियस, अगला हम लोग क्या देख लेते हैं, वेसुवियस। वेसुवियस आपको कहाँ देखने को मिलेगा गाइस? तो वेसुवियस आपको देखने को मिलेगा इटली में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? इटली में।
तो गाइस ये कुछ ऐसे वॉल्केनो थे जो काफी लंबे समय के बाद फटेंगे। अब थर्ड टाइप के वॉल्केनो पढ़ लेते हैं, ये हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, और एक्सटिंक्ट वालों को ही हम लोग बोलते हैं लुप्त ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, लुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब गाइस अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके बारे में हमको क्या याद रखना है। अब दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि ये जो ज्वालामुखी जो है ये अब हो चुके हैं डेड, मतलब इनका जो मैग्मा चैम्बर है वो खाली रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी मैग्मा अब नहीं आएगा, और अगर मैग्मा नहीं आएगा तो क्या होगा, ज्वालामुखी फटेगा नहीं। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलता है तंजानिया में। कहां देखने को मिलेगा, तंजानिया में। और माउंट किलिमंजारो क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। और गाइस याद रखना जो माउंट किलिमंजारो है ना, इसके बारे में बात करूं तो पहले ये एक वॉल्केनो ही था, बट जब वॉल्केनो आता है ऊपर और धीरे धीरे लावा ठंडा होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैंने फोल्डिंग माउंटेन के समय में पढ़ाया है, पता नहीं आपको कितना याद है बट मैंने यार पढ़ाया है। इसी तरीके से एक याद रखना पोपा, पोपा, पोपा कहां पर है, म्यांमार में। पोपा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, म्यांमार में देखने को मिलेगा। यस और नो, पोपा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, म्यांमार में देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी रिया जी, पोपा आपको कहां पर देखने को मिलेगा, म्यांमार में आपको पोपा देखने को मिलेगा। कोई इशू है तो बताओ। सारे बच्चे से मैं यही पूछ रहा हूँ कि गाइस अगर किसी को यहाँ तक कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे एक बार बता सकते हैं। चलें आगे। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, इतना आपको डेटा पढ़ना है किसमें, वॉल्केनोस। तो अगर हम लोग बात करें, इतना हमारा क्लास था आज का, इतने में ही हमको पढ़ना है, ठीक है। सारा का सारा मैंने लगभग कॉन्सेप्ट आपको बता दिया यहाँ पे, आई होप आप लोग को समझ भी आ गया होगा। हाँ जी, तो अब मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अपन लोग कल। और कल का टॉपिक काफी सिंपल है, बट अगर जिस बंदे ने ये पढ़ा है तो उसको और आसान हो जाएगा, कल का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ओके अतुल, ठीक है, हेमंत रिया, चलो यार एक बात सोचो, ये जब टॉपिक अपना चल रहा है तो आपको समझना होगा कि मेरा दिमाग कहाँ पर है ना। आपको चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यार कहाँ पे जा रहा है दिमाग। हाँ, ज्योतिरादित्य कोहे सुल्तान भी है, अगर आप चाहें तो उसको लिखा सकते हैं। और कोहे सुल्तान आपको कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, बट यार वो एग्जाम में इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं उतनी। आप अगर चाहो तो यहाँ पे एक और लिख सकते हो, कोहे सुल्तान, ठीक है ना, क्या लिख सकते हो, कोहे सुल्तान। और इसकी बात करें हम लोग तो ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, बट एग्जाम की ओरिएंटेशन इसकी है नहीं। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे आपको मिलता है, बट इसकी एग्जाम में कोई वैल्यू है नहीं। हमारे एग्जाम में एक तो किलिमंजारो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस चले तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और प्रीवियस चले तो एक्टिव एक भी नहीं भूलने हैं, एक्टिव एक भी नहीं भूलने हैं, सारे के सारे एक्टिव इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एक्टिव इंपॉर्टेंट है। और अगर और प्रीवियस चले तो एक बात और क्या रखना है कि जो मैक्सिमम आते हैं वॉल्केनो वो कहाँ पर आते हैं, आपने देख ही लिया, ये आते हैं रिंग ऑफ फायर में। कहाँ पर आते हैं, रिंग ऑफ फायर में। और रिंग ऑफ फायर क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। और एग्जांपल के तौर पे आप देखो, आपको यहाँ पे इटली में दिख जाएगा, यस और नो, इक्वाडोर में दिख जाएगा, आपको फिलीपींस में देखने को मिल जाएगा, आपको अर्जेंटीना में देखने को मिल जाएगा। ये सबके सारे आपके क्या है, रिंग ऑफ फायर है। तो ठीक है दोस्तों, अपन लोग आज की सेशन में एंड करते हैं। वेलकम गाइस, वेलकम मनोज, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अपन लोग कल।